हेलो स्टूडेंट्स नाउ जो हमने वेक्टर अल्जेब्रा समझा है इट इज़ क्वाइट क्लियर दैट अ वेक्टर कैन बी रिटर्न एज टू और मोर वेक्टर्स अलोंग सर्टेन फिक्स्ड डिरेक्शंस लेट्स कंसीडर दिस एग्जांपल पी वेक्टर इज इक्वल्स टू पी वन आल्फा कैप प्लस पी टू बीटा कैप प्लस P3 gamma cap, where alpha cap, beta cap, and gamma cap are the unit vectors along chosen directions. P1, P2, and P3 are the components of P vector along the three directions alpha cap, beta cap, and gamma cap. The process of splitting a given vector into its components is called as resolution of vectors many students the process of splitting a given vector into its components is called as resolution of vectors and if these components are along the directions च आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर दे आर कॉल्ड एज रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेट आज हमें इसके ऊपर डिटेल में पढ़ाई करना है स्टूडेंट स्टडी ऑफ रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स राइट नाउ वी आर स्टडिंग रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर इनटू it's rectangular components first of all let me draw x axis and y axis horizontal axis is x axis vertical axis y axis this has to be origin 0 comma 0 let me consider a vector oc vector let's say that oc vector is taken as r vector now we can Drop a perpendicular on x axis starting from point C, and we can also drop a perpendicular on y axis starting from the same point C. So, I can name this perpendicular on x axis as CA and perpendicular on y axis as. सी बी सो वॉट आई एक्चुअली गॉट इज अ क्वार्रीलेटरल ओ ए सी बी अब स्टूडेंट्स जो एक्स कॉर्डिनेट हमें मिला आर वैक्टर का हम उसे आर एक्स से डिनोट कर सकते हैं एंड जो हमें वर्टिकल कॉम्पोनेंट मिला आर वैक्टर का हम उसे आर वाई से डिनोट कर सकते हैं नाउ रेक्टेंगल इज अ पैरलोग्राम एंड द रूल इज अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरल सो आई कैन से जो मैग्नीट्यूड है इट इज आर वाई सो ए सी का जो मैग्नीट्यूड होगा का जो मैग्नीट्यूड है इट इज आर एक्स सो मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी विल ऑल्सो बी द सेम दैट इज आर एक्स अभी स्टूडेंट्स मैं आर वेक्टर का जो एंगल फॉर्मेशन हो रहा है आर एक्स के साथ मैं उसे थीटा से डिनोट करने वाला हूं सो बाय यूजिंग पैरलोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हम कह सकते हैं दैट आर वेक्टर इज इक्वल्स टू आर एक्स वेक्टर प्लस आर वाई वेक्टर लेट्स से दिस इज अर इक्वेशन नंबर वन स्टूडेंट्स आई कैप इज़ यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस सो हम उसे कैसे कैलकुलेट करेंगे वी हैव टू डिवाइड आर एक्स वेक्टर बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड दैट इज आर एक्स सो आई कैप इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस विच कैन बी ट्रीटेड एज आर एक्स वेक्टर डिवाइड बाय आर एक्स वेक्टर का मैग्नीट्यू दैट इज सिंपली आर एक्स एंड वॉट अबाउट जे कैप

r vector is equals to what is r x vector students r x vector can be taken as r x i cap plus r y vector can be taken as r y j cap let's say this is equation number 3 students right now we are interested in finding out magnitude of r vector and direction of r vector पहले मैग्नीट्यूड ढूंढेंगे और उसके बाद में डिरेक्शन। सो मैग्नीट्यूड ढूंढने के लिए स्टूडेंट्स वी हैव टू कंसिडर दिस राइट एंगल ट्रायंगल ओ ए सी इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ ए सी हम कह सकते हैं दैट थीटा, विच हैज़ टू बी अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियज कैन बी टेकन एज ए सी डिवाइड बाई ओ सी एंड वॉट अबाउट कॉस थीटा एट अपॉन हाइपोटेनियोस सो हम कह सकते हैं ओ ए डिवाइड बाय व्हाट इज द हाईपोटेनियोस हाइपोटेनियोस विल बी ओ सी सो इंस्टेड ऑफ ए सी लुक एट द डायग्राम केयरफुली हम आर वाई लिख सकते हैं एंड ओ सी कैन बी टेकन एज आर ना वॉट अबाउट कॉस थीटा इज इक्वल्स टू ओ ए डिवाइड बाई ओ सी ओ ए को स्टूडेंट्स हम आर एक्स लिख सकते हैं एंड ओ सी को हम आर से रिप्लेस कर सकते हैं सो साइन थीटा इज इक्वल्स टू आर वाई डिवाइड बाई आर सो स्टूडेंट्स मैं इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस दैट आर वाई को लिख सकता हूँ आर टाइम्स ऑफ साइन थीटा

आर स्क्र साइंस स्क्वायर थीटा एंड इक्वेशन फाइव का स्क्वायर विल गिव यू आर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वा स्क्वायेर थीटा अभी हमने दोनों को स्क्वायर कर लिया इक्वेशन फोर एंड इक्वेशन फाइव को अभी हम उनको एड करने जा रहे स्टूडेंट्स वेन यू एड यू गेट आर वाई स्क्वा प्लस आर एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू

so i get r square multiplied by 1 on right hand side that has to be r square left hand side students r y square plus r x square jise main definitely r x square plus r y square likh sakta hu. taking square root of both sides and writing in proper format we get r is equals to square root of r x square plus r y square let's say this is our next equation equation number 6 स्टूडेंट्स ये जो इक्वेशन नंबर सिक्स है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस इसने हमें आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे दिया आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी आर स्टूडेंट्स विच इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर स्टूडेंट्स नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर तो मैं आपको अगेन डायग्राम पे ले चलता हूँ स्टूडेंट्स इन द डायग्राम इन राइट एंगल ट्राइंगल OAC ओ ए सी हम कह सकते हैं दैट टैन थीटा कैन बी ट्रीटेड एज अपोजिट अपॉन एडजेसेंट द अपोजिट साइड इज ए सी एंड एडजेसेंट इज ओ ए सो ए सी कैन बी रिप्लेस्ड बाय आर वाई एंड ओ ए कैन बी रिप्लेस्ड बाय आर एक्स सो वी गेट टैन थीटा इक्वल्स टू आर वाई अपॉन आर एक्स सो स्टूडेंट्स हम लोग डिरेक्शन के बारे में सोच सकते हैं कैसे ढूंढेंगे हम लोग डिरेक्शन यूजिंग टेन थीटा का एक्सप्रेशन टेन थीटा को हम लिख सकते हैं आर वाई डिवाइड बाई आर एक्स सो कांटाई से स्टूडेंट्स दैट थीटा कैन बी टेकन एज टैन इनवर्स ऑफ आर वाई बाय आर एक्स सो स्टूडेंट्स थीटा का मतलब हुआ डिरेक्शन ऑफ आर वेक्टर लेट से दिस इज इक्वेशन नंबर सेवन इक्वेशन सिक्स हमें मैग्नीट्यूड दे देगा रिजल्टेंट का एंड इक्वेशन सेवन हमें रिजल्टेंट का डिरेक्शन दे देगा मैग्नीट्यूड आर इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर एंड डिरेक्शन थीटा इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स ऑफ आर वाई डिवाइड बाई आर एक्स लेट मी गिव यू टू इम्पॉर्टेंट नोट्स रिसेंटली स्टूडेंट्स हमने टू डी वेक्टर के ऊपर कॉन्सेंट्रेट किया नाउ वी आर गोइंग टू थिंक अबाउट रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स बट ऑफ अ थ्री डी वैक्टर रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स ऑफ अ थ्री डायमेंशनल वैक्टर सो मैं आर वेक्टर को लिख रहा हूँ इनटू इट्स कंपोनेंट एज आर एक्स वेक्टर प्लस आर वाई वेक्टर प्लस आर जेड वेक्टर डेफिनेटली आर एक्स वेक्टर इज़ द एक्स कंपोनेंट ऑफ आर वेक्टर आर वाई वेक्टर इज़ द वाई कंपोनेंट ऑफ आर वेक्टर एंड आर जेड वेक्टर इज़ द जेड कंपोनेंट ऑफ आर वेक्टर कैप होता है स्टूडेंट्स यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस सो हम आई कैप को लिख रहे हैं आर एक्स वेक्टर डिवाइड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड दैट इज आर एक्स जे कैप इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस सो हम जे कैप को लिख रहे हैं आर वाई वेक्टर डिवाइड बाई इट्स ओन मैग्नीट्यूड दैट इज आर वाई एंड के कैप विल बी अूनिट वैक्टर अलोंग जेड एक्सेस सो हम के कैप को लिख रहे हैं आर जेड वैक्टर डिवाइडेड बाई इट्स ओन मैग्नीट्यूड दैट हैज टू बी आर जेड सो स्टूडेंट्स हम आर वैक्टर को ऐसे भी लिख सकते हैं आर एक्स वैक्टर प्लस आर वाई वैक्टर प्लस आर जेड वैक्टर हमने लास्ट टाइम लिखा था अब नए फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे आर एक्स वैक्टर कैन बी रिप्लेस बाय आर एक्स आई कैप प्लस एज इट इज आर वाई वेक्टर कैन बी रिटर्न एज आर वाई जे कैप प्लस एज इट इज आर जेड वेक्टर कैन बी रिटर्न एज आर जेड के कैप राइट सो आर वेक्टर कैन बी टेकन एज आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप प्लस आर जेड के कैप मतलब स्टूडेंट्स हम जब इसका मैग्नीटिव ढूंढेंगे तो हमें आर वैक्टर को लिखना पड़ेगा स्क्वायर रूट ऑफ रिसेंटली हमने पूरा डेरिवेशन किया ऑफर टू डाइमेंशनल वेक्टर अभी थ्री डायमेंशनल में हम उसको लॉजिकली सोचेंगे आर का मैग्नीट्यूड कैसे ढूंढेंगे स्टूडेंट्स आर विल बी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स कॉम्पोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कॉम्पोनेंट का स्क्वायर प्लस जेड कॉम्पोनेंट का स्क्वायर नोट नंबर टू Consider a vector expressed as axi cap plus ayj cap plus azk cap and b vector expressed as bxi cap plus byj cap plus bzk cap and we observe that. Ax is equals to Bx, Ay is equals to By, and Az is equals to Bz, then only we can conclude that A vector is equals to B vector. That means, if two vectors are equal, it means that their corresponding components are equal. दोनों का x कॉम्पोनेंट इक्वल y कॉम्पोनेंट इक्वल z कॉम्पोनेंट ऑल्सो इक्वल देन ओनली द टू वेक्टर्स अट टू बी इक्वल वेक्टर्स न्यूमेरिकल 2.4 पॉइंट फोर फ्रॉम योर गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डिरेक्शन ऑफ वेक्टर थ्री आई कैप प्लस फोर जे कैप वी हैव टू फाइंड अ यूनिट वैक्टर इन द डेक्शन ऑफ थ्री आई कैप प्लस फोर जे कैप फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स कंसिडर द गीवन वैक्टर एज आर वैक्टर आर वैक्टर इज इक्वल्स टू थ्री आई कैप प्लस फोर जे कैप सो नॉर्मली हम आर वैक्टर को लिखते हैं आर एक्स आई कैब प्लस आर वाई जे कैब सो हाव यू कैन फाइंड आउट मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर स्टूडेंट्स आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड जिसे हम आर लिख सकते हैं दैट इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स कॉम्पोनेंट स्क्वायर प्लस वाई कॉम्पोनेंट स्क्वायर सो दैट कैन बी टेकन ए स्क्वायर रूट ऑफ थ्री स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर दैट हैज टू बी फाइव स्टूडेंट्स हमें यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करना है लेट्स टेक दैट यूनिट वैक्टर एज आल्फा कैप आल्फा कैप इज़ अ यूनिट वैक्टर अलॉन्ग द गीवन वेक्टर आर वेक्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे आल्फा कैप को हमें आर वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना होगा मतलब आल्फा कैप इज इक्वल्स टू आर वैक्टर डिवाइड बाय आर आई सो दैट हैज टू बी स्टूडेंट्स आर वैक्टर को मैं लिखने वाला हूँ थ्री आई कैप प्लस फोर जे कैप द होल अपॉन आर यानी मैग्नीट्यूड ऑफ आर वैक्टर हमें मिला स्टूडेंट्स फाइव हम इसे स्प्लिट भी कर सकते हैं वी गेट आल्फा कैप इज इक्वल्स टू थ्री बाई फाइव आई कैप प्लस ऑफ फोर बाय फाइव जे कैप ओके that's your answer example 2.5 it is given that a vector is equals to i cap plus 2j cap and b vector is equals to 2i cap plus j cap so question is what are द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द टू वेक्टर्स एंड आर दीज टू वेक्टर्स इक्वल ये आपसे पूछा जा रहा है स्टूडेंट्स फर्स्ट स्टेप यू हे टू फाइंड आउट मैग्नीट्यूड ऑफ ए वैक्टर एंड बी वैक्टर देन यू हेव टू जज वेदर द टू वैक्टर्स आर इक्वल और दे आर नॉट इक्वल वैक्टर राइट सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक काम किया जा सकता है स्टूडेंट्स हम ए वैक्टर को कंपेयर कर सकते हैं विद ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप एंड कंपेयरिंग बी वेक्टर विद बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप सो वी गेट वैल्यू ऑफ ए एक्स इज इक्वल्स टू वन एंड वैल्यू ऑफ ए वाई इज इक्वल्स टू टू ओके एंड फ्रॉम बी वेक्टर का इक्वेशन वी कैन गेट bx is equals to 2 and by is equals to 1. How you can find out magnitude of a vector students? It can be taken as square root of unke rectangular components ke square ka addition. So we get a vector ka magnitude is equals to square root of ax square plus ay square which is nothing but 1 square plus 2 square that has to be square root of 5. We got magnitude of A vector students, which is square root of 5. Now let us think about magnitude of B vector that can be taken as square root of bx square plus by square that has to be square root of 2 square plus 1 square.

what about bx it is 2 so 1 and 2 are definitely not equal look at ay 2 look at by 1 2 and 1 are definitely not equal so a vector and b vector have equal magnitudes but their corresponding components are not equal that means the two vectors a vector and b vector they are not equal vectors that is our conclusion. Question number 2 3 we are given v1 vector is equals to 2 i cap minus 3 j cap and v2 vector is equals to minus 6 i cap plus 5 j cap. वी हैव टू डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड एंड डिरेक्शन ऑफ वी वन वेक्टर प्लस वी टू वैक्टर क्या क्या ढूंढना है स्टूडेंट्स हमें वी वन वैक्टर प्लस वी टू वेक्टर का मैग्नीट्यूड एज वेल एज डिरेक्शन ओके फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड आउट वी वन वेक्टर प्लस वी टू वेक्टर टू आई कैप माइनस सिक्स आई कैप वी गेट माइनस फोर आई कैप वाई कॉम्पोनेंट देखते हैं माइनस थ्री जे कैप प्लस वी गेट प्लस टू जे कैप सो वी गॉट वी वन वेक्टर प्लस वी टू वैक्टर इज इक्वल टू माइनस फोर आई कैप प्लस टू जे कैप हाउ टू फाइंड आउट Magnitude of a given vector students, it can be taken as square root of x component square plus y component square. So, that has to be square root of minus 4 the whole square plus of 2 the whole square. So, overall we will get square root of 16 plus 4 that has to be square root of 20 which can be taken as 2 root 5 so we are done with magnitude now how to find out the direction in case theta is the angle of the given vector with x component right theta is the angle of given vector with x component then theta can be taken as tan inverse of y component divided by x component that you can compare with थीटा इक्वल्स टू टैन इनवर्स ऑफ वी वाई अपॉन वी एक्स फॉर वी वन वेक्टर प्लस वी टू वैक्टर एक्स कॉम्पोनेंट वी एक्स इज माइनस फोर एंड वाई कॉम्पोनेंट वी वाई इज पॉजिटिव टू सो थीटा यानी डिरेक्शन इज टेन इन्वर्स ऑफ वी वाई बाई वी एक्स सो आप इसे लिख सकते हो टैन इनवर्स ऑफ टू बाई माइनस फोर That has to be students tan inverse of minus one by two, and this direction your vector is making with x-axis, right? A question from H C Verma. A vector has component. Along the x axis equal to twenty five unit and along the y axis equal to sixty unit. Find the magnitude and direction of the vector. X component is twenty five unit and Y component is sixty unit. We have to find out the magnitude and direction of the given vector. First of all, my given vector ko r vector se denote karke likhna chahunga. R vector is equals to twenty five i cap, right? X component jo twenty five. So r vector is equals to twenty five i cap plus of y component is sixty unit. So I get plus of sixty j cap. आर वैक्टर इज इक्वल प्लस सिक्सटी जे कै हाउ टू फाइंड आउट मैग्नीट्यूड ऑफ आर वैक्टर आर दैट कैन बी टेकन ए स्क्र रूट ऑफ एक्स कॉम्पोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कॉम्पोनेंट का स्क्वायर जिसे हम लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू स्क्र रूट ऑफ ट्वेंटी फाइव स्क्वायर सो वी गेट स्क्वा 3600 so we get square root of 4225 that can be taken as 65 so hame magnitude mil result resultant ka 65 unit as per the data now what about the direction डिरेक्शन को स्टूडेंट्स हम थीटा से डिनोट करते हैं विच इज टैन इनवर्स ऑफ आर वाई डिवाइड बाय आर एक्स सो दैट हैज टू बी टैन इनवर्स ऑफ आर वाई डिवाइड बाय आर एक्स राइट आर वाई इज सिक्सटी एंड जो एक्स कॉम्पोनेंट है यानी जो आर एक्स है वो है ट्वेंटी फाइव सो वी गेट टैन इनवर्स ऑफ सिक्सटी बाई ट्वेंटी फाइव हम रेड्यूस करके इसे लिख सकते हैं टेन इनवर्स ऑफ ट्वेल्व बाई फाइव हम इसे और रेड्यूस करके लिख सकते हैं टेन इनवर्स ऑफ टू पॉइंट फोर सो ये हमें डिरेक्शन मिल गया सो वी आर डन विथ मैग्नीट्यूड आर इज इक्वल्स टू सिक्सटी फाइव यूनिट एंड नाउ ऑल्सो द डिरेक्शन टेन इनवर्स ऑफ टू पॉइंट फोर अनदर फ्रॉम एच सी वर्मा राइट द unit vector in direction of a vector is equals to phi i cap plus j cap minus 2 k cap. First of all, let me split a vector into its components a vector is equal to ए एक्स आई कैब प्लस ए वाई जे कैब प्लस ए जेड के कैब कंपेरिजन करके हमें समझेगा दैट ए एक्स इज इक्वल्स टू फाइ ए वाई इज इक्वल्स टू वन एंड ए जेड इज इक्वल्स टू माइनस टू यूजिंग दिस वी कैन फाइंड आउट मैग्नीट्यूड ऑफ ए वैक्टर जिसे हम डेफिनेटली ए से डिनोट कर सकते हैं Which can be taken as square root of ax square plus ay square plus az square. This can be taken as square root of phi square plus 1 square plus of minus 2 the whole square. This can be taken as square root of 25 plus 1 plus 4. सो आई गॉट ए वैक्टर का मैग्नीट्यूड विच इज ऑब्वियसली एज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ थर्टी हमें मैग्नीट्यूड मिल गया स्टूडेंट्स एक्चुअली हमें फाइंड आउट करना है यूनिट वैक्टर इन द डेक्शन ऑफ ए वैक्टर लेट्स आल्फा इज दैट यूनिट वैक्टर विच इज इन द डेक्शन ऑफ गीवन वैक्टर ए वैक्टर सो हम आल्फा कैप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम ए वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे सो अल्फा कैन बी टेकन एज ए वेक्टर राइट द होल अपॉन ए ए वेक्टर क्या है स्टूडेंट्स गिवन वेक्टर फाइव आई कैप प्लस जे कैप माइनस टू के कैप द होल अपॉन ए दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ थर्टी सो मैं एक स्टेप को स्किप करके स्टूडेंट्स द होल अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ थर्टी नहीं लिख रहा हूँ मैं डिरेक्टली लिख रहा हूँ स्क्वायर रूट ऑफ थर्टी विथ ऑल द थ्री टर्म्स स्क्वायर रूट ऑफ थर्टी स्क्वायर रूट ऑफ थर्टी एंड स्क्वायर रूट ऑफ थर्टी सो आई गॉट आल्फा इज इक्वल्स टू इनफैक्ट आल्फा कैप इज इक्वल्स टू फाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ थर्टी आई कैप प्लस ऑफ जे कैप डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ थर्टी माइनस ऑफ टू के कैप डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ थर्टी दिस इज योर आल्फा कैप यानी unit vector in the direction of a vector.